हमने एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो मेरे तीसरा मतलब और ये, आप लोग सुस्त हो गए हो। हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास दो लोग मिनिस्टर बन गए हैं। तो क्या हम लोग क्या अपने लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे? सिर्फ मिनिस्टर को ही बात करना है? मैं अपने पूरे वॉरियर्स को, तिपरा मथा के वॉरियर्स को, YTF के वॉरियर्स को अभी बोलना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम है आप लोग जाके मिलिए और जाकर अपने लोकल ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटेशन दीजिए। हमें पब्लिक ने चुना है अपने लोगों का, बुकुंगबारा का, तिपरा सा का बात करने के लिए, तो हमको बात करना पड़ेगा, अपने लोगों को अधिकार देना पड़ेगा। रहा बात CA का, मेरा पोजीशन वही है कि ADC एरिया त्रिपुरा ने बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स को लिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून कहता है कि ADC एरिया में एक भी इलीगल इमिग्रेंट को जो CA से आया है उनको हम जगह नहीं देंगे। ये मेरा पोजीशन है, ये पोजीशन था, है और रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक आश्वासन दिया है, कमिटमेंट दिया है हमें कि ADC एरियाज में, सिक्स शेड्यूल एरिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। अगर वहाँ कोई सेटल होने का कोशिश करता है तो तिपरा मोथा और तिपरा मोथा के वॉरियर्स को हर जगह में काम करना चाहिए। आपको भूलना मत, आप प्लीज़ मत।